हेलो एवरीवन, आई एम बरखा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मज़े से मेरी सारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो हम आ चुके हैं लखनऊ और हम लोग जा रहे हैं। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग जा रहे हैं एक इवेंट अटेंड करने एक कॉलेज में, जो कि आपको आगे दिखेगा। तो बेसिकली श्रद्धा के कॉलेज में एक कॉन्सर्ट था जहाँ पर हम सभी जा रहे थे। श्रद्धा मेरी सबसे छोटी वाली बहन है, आई थिंक आप सभी उसको जानते होंगे। तो हम सभी वहाँ पर टाइम से पहुँच गए थे और सामने ही हमें दिख गए थे मोमोज। तो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़े बहुत मोमोज यहाँ की भी ट्राई किए जाए, बिकॉज हमें जहाँ भी मोमोज दिखते हैं हम लोग ट्राई ज़रूर करते हैं। और यहाँ के मोमोज हमें बहुत अच्छे लगे थे, पनीर मोमोज हमने ट्राई किए थे वैसे। और थोड़े बहुत मोमोज वगैरह खाने के बाद, और हम लोगों ने बताशे भी खाए थे बाय द वे। एंड फिर फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे श्रद्धा के कॉलेज में और मुझे लिटरली अपने कॉलेज के दिन याद आ गए, जैसे हम लोग पॉलिटिन जाया करते थे और बाकी जो भी कॉलेज में हम लोगों ने पढ़ाई की है सारे ही कॉलेज धीरे धीरे करके याद आ रहे थे, क्योंकि कुछ ना कुछ हम लोग रिलेट कर रहे थे सारी चीज़ों से। और जो इनका कॉलेज था वहाँ पे जो डेकोरेशन वगैरह हो रखी थी मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। हर एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से इन लोगों ने सजा रखा था। वहाँ पे काफ़ी सारी पेंटिंग्स थी जो कि वहाँ के ही बच्चों ने पेंटिंग करके वहाँ पे रखी हुई थी। आई थिंक वहाँ पे कंपटीशन वगैरह भी हुई थी, तो मुझे पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगी थी। ऐसा लग ही ना था कि बच्चों ने बनाया। और स्पेशली ये रंगोली आप सामने देख सकते हैं, इतनी खूबसूरत रंगोली, मतलब दिल ही आ गया था मेरा तो, क्योंकि मैं हर साल बनाती हूँ दिवाली में। तो मेरा रंगोली के लिए एक अलग ही मतलब सॉफ्ट टच रहता है, तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। और ये पूरी लेन में जिस तरीके से इन्होंने पेंटिंग्स लगा रखी थी वो भी देखने, मतलब आप चलते जाइए और सामने पेंटिंग्स है और आप हर एक पेंटिंग के सामने एक बार जरूर रुकेंगे। तो मुझे पर्सनली पूरा ही जितना भी ये एरिया था मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। एंड फिर हम लोग आगे पहुंच गए थे जहाँ पर कॉन्सर्ट होने वाला था, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे से इन्होंने डेकोरेट कर रखा था, लाइक सेल्फी बूथ बना रखा था वहाँ पर और लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छे से इन्होंने मैनेज की थी। इवन जब अंधेरा हो गया था तब भी लग ही नहीं रहा था कि अंधेरा हो गया, इतने अच्छे से सारी लाइटिंग वगैरह सब कुछ मैनेज कर रखा था। और जो यहाँ का प्रोग्राम था उसका नाम था अतरंग, तो मुझे ये जो थीम वगैरह थी वो भी काफ़ी, इन लोगों ने आई थिंक बोहेमियन थीम रखी थी, वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। मतलब काफ़ी ट्रेंडी चीज़ों को इन लोगों ने फॉलो किया था और मतलब एक चीज़ होता ना मेंटेन करके सारी चीज़ें रखी थी, कहीं पे कोई भी आप कमी नहीं ढूंढ सकते हो। और वहाँ पे फूड कोर्ट वगैरह भी था, तो वहाँ पे खाने की चीज़ें भी आप ले सकते हो और बहुत रीजनेबल प्राइस में था। एंड फिर वहाँ पे बच्चों का प्रोग्राम वगैरह स्टार्ट हो गया था जो कि आप अभी सामने देखेंगे। एंड फिर हमारा वहाँ पर छोटा सा इंटरव्यू भी हुआ था जहाँ पर हमें बताया था कि हमारा यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा और अगर कोई चीज़ यहाँ पर इम्प्रूव करने वाली चीज़ है तो भी हम बता सकते थे। तो सारी चीज़ें हम लोगों ने पर्सनली शेयर की, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, तो मैंने तो ऑलमोस्ट सब तारीफ ही कर दी थी, बिकॉज मुझे ऐसा कोई कमी दिख नहीं थी जैसा कि मैंने बताया आपको। एंड फिर श्रद्धा ने भी अपने बारे में बताया कि उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे इस कॉलेज में। और ये सब होने के बाद फिर हम लोग को लग रही थी थोड़ी बहुत भूख, तो हम लोग निकल गए थे खाने के लिए, बिकॉज अब थोड़ी ही देर में विभोर पराशर का कॉन्सर्ट स्टार्ट होने वाला था और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे उसके कॉन्सर्ट के लिए। तो हमने सोचा कि थोड़ा बहुत पेट पूजा कर लें, बिकॉज एनर्जी तो हम लोग को चाहिए ही चाहिए वहाँ पर जाने के लिए। तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत कॉम्बो वगैरह ट्राई किया था, लाइक मैंने लिया था चिली पनीर और विद नूडल्स, और इन लोगों ने चिली पोटैटो लिया था। चिली पोटैटो इन तीनों ही लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम लोगों ने खा पी के सारी चीज़ें फटाफट से खत्म कर दी थी, बिकॉज कॉन्सर्ट जस्ट स्टार्ट होने वाला था। तो मैंने सारी ही क्लिप्स ऐड कर दी है, तो आप भी इन्जॉय करिए पूरे कॉन्सर्ट को और मैं मिलती हूँ आपसे एंड में। जाती है दूरियां, निगाहों की
चार बोतल पर आप लोगों के टॉप फ्लोर पे गया था सबकी पेंटिंग्स देखने, बिकॉज मुझे पर्सनली पेंटिंग्स का बहुत शौक है। मैं करता नहीं हूँ बट मुझे घर पे लगाना और देखना या देखने जाना बहुत पसंद है। हाँ नहीं करता हूँ भाई, सुन लिया, ऐसा ही सुना है आपने तो बहुत अच्छा लगा मुझे। सबकी पेंटिंग्स मैंने देखी, मुझे सबका नाम याद नहीं है बट मेरे को जो बहुत अच्छी लगी वो मैंने पिक्चर्स क्लिक किए हैं। तो हम लोगों ने पूरे ही कॉन्सर्ट को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। आई गेस आप लोगों ने भी इन्जॉय किया होगा उस पूरे ही कॉन्सर्ट को, बिकॉज हमने सारी क्लिप्स वगैरह ऐड कर दी थी। मैंने ट्राई किया था कि मैं जितना ज़्यादा रिकॉर्ड कर पाऊँ, आप सभी के साथ शेयर कर पाऊँ, उतना ज़्यादा मैं करूँ। तो अभी टाइम हो चला था घर जाने का, तो हम लोगों ने फटाफट बुक कर ली थी अपनी कैब और हम लोग निकल गए थे अपने घर के लिए। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करिएगा एंड हमें कॉमेंट में एक रेड हार्ट ज़रूर दे दीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।